इट्स मिक्स्ड इमोशंस. फर्स्ट के 2 वीक्स ना आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा था, सब गुडी गुडी लग रहा था. स्लोली स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे. जो आपके साथ बैठते थे वो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे वो आपकी और बुराई कर रहे थे. तो देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया कि घर में ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप हो गया जिसमें हम 4 जन थे और बाकी सब एक तरफ. फिर वो एक मोमेंट आया जहाँ पे स्लोली स्लोली मेरे दोस्त कटने लग गए. तो कई हद तक ऐसा लगा कि यार मैं, क्योंकि ये जो दोस्त मैंने बनाए थे ना वो मुझे समझते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे, मुझे हंसाते थे, यू नो, एक अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, लाइक यू नो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग डिडंट मैटर बिकॉज ये आपके साथ थे, ये 4 लोग आपके साथ थे. बट जैसे जैसे वो निकलते गए वैसे वैसे बुरा लगता गया, घर और आपके अगेंस्ट हो गया. बट आई थिंक दैट विल पावर जो आपकी होती है ना, कि नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ लेने के लिए, और मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और हाँ मुझे जीतना था और मैं जीत गई हूँ. मेरी खास दोस्त है वो जीती तो मुझे खुशी हुई. उसका जीतना मेरे लिए एक फीलिंग था, प्राउड मोमेंट था, और मेरे से ज़्यादा ट्रॉफी की उसको ज़रूरत थी. और मुझे लगता है मैंने लोगों का दिल जीता है, उसने ट्रॉफी जीती है, तो मैं प्राउड हूँ और हैप्पी हूँ. मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है. मैंने जैसा खेला, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं यहाँ तक पहुँचा, वो मेरे लिए बड़ी बात. मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ट्रॉफी नहीं मिली तो इसका कोई गम मत मनाओ. ऐसा सोचो कि मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा वो बड़ी बात है. और इतने टफ कॉम्पिटिशन में सबको पीछे छोड़ा मैंने. रणवीर भाई तक टॉप 3 में थे, मैं टॉप 2 में था. तो ऐसा सोचो कि मैंने कुछ हासिल किया है. ऐसा नहीं कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ. मैंने रिस्पेक्ट हासिल की, मैंने लोगों का प्यार मिला, मुझे लोगों का दिल जीता है मैंने, तो वो एक बड़ी बात है. तो ऐसा मत सोचो कि, मतलब सैड मत हो जाओ कि मैं जीता नहीं, बल्कि ऐसा सोचो कि मैंने जो हासिल किया है वही मेरे लिए बहुत है.